अस्सलाम वालेकुम भाइयों। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल हैं, खैरियत से? इस वक्त हम लाइव हैं अफरीदी कैटल फार्म से। इनके आप कलेक्शन देख सकते हैं। इस बार ऑलमोस्ट मंडी यहीं पे ही एक तरह की बनी हुई है, क्योंकि अभी भी कुछ कह नहीं सकते मंडी लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि अभी कल कंफर्म न्यूज़ करेगी गवर्नमेंट। फ़िलहाल VIP टेंट समझे, ये जमीन मेमन पे ही लगे हैं एक तरह के। कलेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। काफ़ी लोग आए हुए हैं, संडे का दिन है, लोगों को कुर्बानी के जानवर पहले ही बुक कर लेते हैं और ख़रीदने आते हैं। वो लोग अभी आए हुए हैं, कुछ लोग बुकिंग भी कर रहे हैं अभी से, सेल एंड परचेज भी चल रहा है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, बेहतरीन बाहर। शहीद वाला आ रही है। भाइयों, इस बार अगर मंडी नहीं लगती है तो VIP टेंट्स वाले जो हैं वो अपने फार्म पे ही शो करेंगे अपने सारे जानवर। काफ़ी सारे फार्मर्स ने तो अपने ओपन गेट्स कर दिए हैं, लेकिन कुछ अभी भी एक्सपेक्टेड है कि अगर मंडी लग जाती है तो वो शायद मंडी आएँ, लेकिन अभी इसकी न्यूज़ जो है अभी कन्फर्म नहीं है। तो फ़िलहाल जब तक कन्फर्म नहीं है तो सब यहीं से ही सेल आउट कर रहे हैं। हर साल वैसा होता था, यहीं से सेल आउट होता रहता था, लेकिन इस बार में भी अगर ना लगे तो सब यहीं से ही सारे जानवर बेचना चाहेंगे। चले मैं और जानवर भी हूँ, लाओ लाओ बछड़ा लाओ। चले मुनीर भाई, मैं बाबा से बात करके फिर आपको बता। चलो जैन के यानी कब से किस चीज़ का पूछ रहे हैं? पहले दिखा दूँ आपको कुछ कलेक्शन, मैं दिखाऊंगा। यार मंडी लगेगी या नहीं इसका भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वैसे चांसेस तो हैं लगेगी इंशाल्लाह, अगर नहीं लगती है और तो फिर आपको VIP टेंट यहीं से देखना होगा। बहुत सारे फार्मर्स ने तो अभी से ही अनाउंस कर दिया कि वो नहीं आएंगे अगर लग भी जाती है तो। बस पास रहना वो सिग्नल्स के लिए। शहीद जरा एक दो और जानवर लाते जाओ, क्योंकि कंटिन्यूसली एक ही शोर है। चलो बांधते जाओ। ब्राउन वाला बछड़ा भी बोल दो जरा, वो उसके भी वाला बड़े वो ब्राउन वाला बड़ा वाला वो वाला गया। उम्मीद है आप लोग अभी से इंजॉय कर रहे होंगे, घर पे बैठे लाइव पोस्टिंग वगैरह भी आप लोग देख रहे होंगे। बाकी बकरीद की आमद आमद है, समझ आ ही गई है बकरीद अब बिल्कुल ही। और मंडी के शौकीन अफराद
इस उम्मीद से कि मंडी उसी तरह जोश व खरोश से लगे। बस सबको एहतियात करनी है क्योंकि जैसा कि वायरस काफ़ी फैला हुआ है, प्रिकॉशंस के साथ साथ आए मंडी। ये वाला ले आए रोशनी में, माशाल्लाह। यार यहाँ पे एक्चुअली कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ये रोशनी मिलाइएगा ज़रा, सिग्नल्स का काफ़ी ज़्यादा इशू है, इस वजह से शायद आप लोगों को पिक्चर्स जो है वो थोड़ी सी वीडियो ब्लर दिख रही होगी। अफरीदी कैटल फार्म है, वो वाला भी अब ले आओ, ये वाला ले जाए, चेंज करते हैं, ले आओ ले आओ वाला। ये टाइगर प्रिंट में वो थोड़ा भाई, अभी परमिशन का तो अभी कंफर्म नहीं है, अभी सब अपने फार्म पे ही किए हुए हैं। ये अफरीदी कटल का सबसे बेहतरीन और बड़ा बछड़ा है, इसको ज़रा रोशनी में आने में देखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन बछड़ा है। ये ले आओ रोशनी में, अब वो वाले को रोशनी में ले आए इधर ना, अब ये वाला ले आओ, ये वाला। हाँ, जब तक वो पानी पी के आ रहे हैं ना, हाँ इसको ले जाए फिर निकाल लूँ। ये पांडा बुल आ गया, टाइगर चला गया, माशाल्लाह बेहतरीन बछड़ा। अच्छा मानने वाले, चलो खैर है, कोई मसला नहीं, नहीं ये लाइव है, लाइव देख रहे भाइयों। पिक्चर अगर आपको साफ नहीं आ रही तो इसके लिए माजरा, ज़रा सा यहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है, हमसे जितना बेस्ट पॉसिबल हो रहा है उतना कर दे रहे हैं। हाँ ब्राउन लें, ले आए लाल वाला, ये ब्राह्मण बछड़ा है और इसका साइज आप देख सकते हैं, इसके वजूद ठीक ठाक बड़ा बछड़ा है ये माशाल्लाह से। इसकी सबसे इतने बड़े वजूद में चार दांत हैं। माशाल्लाह से बहुत हेवी है और अफरीदी का ये सबसे बड़ा बछड़ा है, ये अफरीदी का डल था। आप देख सकते हैं इसका साइज, बेहतरीन बछड़ा है। माशाल्लाह
भाई जान नुकरा वगैरह सब कुछ इनके पास, इनका बहुत कलेक्शन है। आप लोग चाहें तो यहाँ विजिट भी कर सकते हैं, इनके ओपन डोर्स हैं, और किसी को लॉक करते हैं कोई भी आके विजिट कर सकते हैं। फिलहाल अभी फ्राइडे टू संडे है, अगर मंडी की सिचुएशन ऐसी रही कि मंडी ना लगती है या मे बी अगर ये ना आते हैं तो आप सब यहाँ पे भी आके परचेजिंग कर सकते हैं। यार वीडियो हैंग शायद इस वजह से हो रही होगी क्योंकि सिग्नल का इशू है। इस ब्लैक वाले को भी साथ में खड़े करो ताकि एक वजूद का पता चले कितना बड़ा बछड़ा एक होता है ना दूसरे बछड़े के साथ, इसके जो स्ट्रक्चर ही अलग पता चल रहा है माशाल्लाह से। वो कैमरे की आंखों में वो सही मानो में जब दूसरा जानवर आएगा ना तो पता चलेगा ये चीज़ क्या है। ब्लैक वाले को भी इसके करीब लाओ, काला भी लाओ, काला यार इसके बराबर में ज़रा लाना ताकि आइडिया हो ये चीज़ क्या है, कि अभी अकेला खड़ा हुआ है ना। हाँ काला भी कम नहीं है लेकिन ये अलग ही चीज़ है, दूर रखना लड़ जाएंगे, लड़ जाते हैं जितना थोड़ा सा अगर करीब हो सकता है तो कर दें थोड़ा सा करीब, अगर लड़ेंगे तो फिर हटा देंगे। अभी भी दूर खड़े हुए माशाल्लाह। अब काला वाला बछड़ा दिखा देते हैं आपको, वीडियो क्वालिटी यार काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रही है। तावली यार यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, अब क्या कर सकते हैं। कनेक्टिविटी का बहुत इशू है यहाँ पे, हर किसी का कमेंट यही आ रहा है कि सिग्नल कोई कह रहा है हैंग हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई और है बड़े ये देख लें भाई चार दांत पे छोड़ा दांत भी लगा रहे टाइम।
होना चाहिए। आजकल दिन में गर्मी भी इतनी हो रही है ना कि हिम्मत नहीं हो रही होती है। मैं खुद यहाँ 5 बजे गिर गया। अच्छा, 3 बजे से मैं सोच रहा था, लेकिन नहीं यार बुरा हो जाना है मंडू यहाँ जाके। चलो तोलिए तोलिए मारो ना इसको। हाँ मुंह धुला इसको। दिखा देते हैं, वो अभी एक रेडी हो रहा है, उसमें जरा कपड़े लग रहे हैं। फ्रीडी कैटल पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। भाई हम प्राइस का अभी मैं नहीं बता, हम एक अलग से सेशन करेंगे तो उसमें प्राइस आप लोगों को डिस्क्लोज कर देंगे। अभी बस ऐसे ही एक विजिट के लिए आए हुए थे, मुलाकात के लिए, तो हमने कहा चले आप लोगों को भी थोड़ा सा लाइव कर दें, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी का भी बड़ा इशू आ रहा है, तो मसला आ रहा है लोगों को। आप लोगों को शायद ब्लर दिख रही होगी पिक्चर, सिग्नल बिल्कुल ना होने के बराबर है यहाँ पे। जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है हम कवरेज कर दे रहे हैं यहाँ से फिलहाल। काला वाला बछड़ा तैयार हो रहा है। वो काला वाला ले हैं ये आ गया बड़ी सलामी वाला बछड़ा। अच्छा जी मैं असल में पिक्चर से जैसे ना पब्लिक जो है ना